नमस्कार जनटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी, और नारी में आज हम बात करेंगे हौसलों की। यहां एक शायर की पंक्तियां पढ़ना लाजमी होगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जब हम गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहे थे, और जब कर्तव्य पथ पे आपने देखा कि महिला, चाहे वो फाइटर जेट हो या फिर परेड की सलामी की बात हो, वो नेतृत्व कर रही थी, तो निश्चित रूप से आधी आबादी हमारे गणतंत्र के उत्सव में उनकी शिरकत और जो चेहरे पे एक मुस्कान दिखाई देती है हर महिला के, यहाँ हौसलों की उड़ान है। और कहना, आप जब देख रहे थे कि विक्ट्री सिंबल बनाया जा रहा था आसमान में फाइटर जेट्स में, तो वो भी हमारी बेटियाँ थी। और आज जल हो, थल हो, नभ हो, सब जगह अपना लोहा मनवा रही हैं। समय बदल गया है, स्थितियाँ बदल गई हैं। मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि महिला को भगवान ने पंख बहुत मजबूत दिए हैं, केवल हौसलों की उड़ान के लिए खुला आसमान चाहिए, एक भरोसा चाहिए। खुद का नहीं, खुद पे तो भरोसा है, उनके अपनों को भरोसा चाहिए कि महिला उड़ान भी भर सकती है। तो चलिए, आज हमारा थीम यही है कि आज हम गणतंत्र दिवस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वाकई जिस तरह से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उनका हक है, आधी आबादी का, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आज भी सवाल खड़े करती हैं, वो सबसे बड़ी बातें हमारी सोच की। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहिल त्रिवेदी जी, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, करिश्मा हाडा जी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हमारे साथ कृष्णा यादव जी हैं, वो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। सभी का स्वागत है। मैं साहिल जी आपके पास आना चाहूँगा। जब ये दृश्य केवल भारत नहीं, दुनिया ने भी देखा होगा, भारत के लोग दुनिया के कोने कोने में रहता है, क्या लगता है आपको कि जब परेड की सलामी चल रही होगी और महिलाएं उसका नेतृत्व कर रही थी, तो कैसा महसूस हो रहा होगा? मुझे बहुत गर्व हो रहा था कि मैं इस देश की बेटी हूँ जहाँ परेड की सलामी या हर क्षेत्र में महिलाएं बहुत आगे हैं। और हम पहले किताबों में पढ़ते थे कि धरती को माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को खुली छूट दे, उड़ने दे उन्हें पंख पसार, उड़ने दे उन्हें पंख पसार, लौट के वो फिर अपने घोंसले में ही आएंगी, लौट के फिर वो घोंसले में ही आएंगी। क्योंकि जितनी महिलाओं को छूट दी जाती है, वो हमारे देश का, परिवार का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन ही करती हैं। और महिलाएं बहुत सारी परेशानियां होने के बाद भी पुरुष के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहती हैं। और आगे आप देखिए, किसी भी परीक्षा का रिजल्ट देख लीजिए, 60-70% महिलाएं, 80% महिलाएं टॉप करती हैं। चाहे वो आप 10वीं 12वीं बोर्ड देख लीजिए, चाहे आप IAS का परिणाम देख लीजिए, RJS का देख लीजिए, और अभी विक्ट्री साइन बनाया जैसे आपने बताया, और हम सब इससे परिचित हैं, तो बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरी बहन, मेरे देश की बेटी आज आसमान तक उड़ रही है, और आसमान को छू के फिर वो अपने घोंसले में लौट के आ रही है। तो मुझे गर्व होता है, वो मेरी ही बहन है और मेरे ही देश की बेटी है, और इसी माटी की बनी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और बात जब परेड की हो, तो वहाँ निश्चित रूप से एक जज्बा अलग ही दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि प्रेरणा मिलती है। किसी न किसी महिला को, बच्चे के, उसके परिवार के लोगों को आप पूछिए, वो किसी न किसी के माध्यम से प्रेरणा लेते हैं, और ये प्रेरणा इतनी मजबूत करती है आपके हौसलों को, आपकी उड़ान को, कि वाकई उस जैसा नहीं बनना, उससे ऊपर भी आप बन सकते हैं, उस जैसा भी बन सकते हैं, और उसके आसपास भी आप पहुंच सकते हैं। करिश्मा जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। महिलाएं निश्चित रूप से आज नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, थल सेना में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हो, तमाम जगह, जब कल कर्तव्य पथ पर परेड में थी वो, और फाइटर जेट्स की भी उन्होंने उड़ान भरी, तो निश्चित रूप से मैं देख पा रहा था बहुत सारे लोगों को, और खुशी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई लोगों के पास में आवाज़ नहीं निकल रही थी कि हम कुछ बोल सकें, इतने इमोशनल थे लोग। तो लगता है कि ये उड़ान और ऊंची जानी चाहिए अभी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, हमारे देश के लिए, कि हमने भारत का 75वां गणतंत्र दिवस इतनी सफलतापूर्वक मनाया है। और भारत की जो देश की बेटी है, जैसा आपने फरमाया, जल, थल, वायु सब में उड़ान भर रही है,
और जो आने वाला जो भविष्य है, कहा जाता है कि एक अगर नारी सशक्त होगी नहीं तो वो अपने परिवार को नहीं, पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को सशक्त करेगी। तो उसका सशक्त और संबल होना बहुत ज़रूरी है, और जो आने वाला भविष्य है वो यही दिखा रहा है कि मातृशक्ति के बिना जो चीज़ें हैं वो ईश्वर के यहाँ भी अधूरी थी तो हमारे यहाँ पे भी अधूरी है। देखा जाता है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो राजनीति ले लीजिए, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ले लीजिए, टेक्निकल ले लीजिए, जो महिला है पुरुष का कंधे से कंधा मिला के साथ दे रही है। और जो एक कहावत है जो भगवान शिव ने आदिशक्ति को दिया है, वो अर्धनारेश्वर की जो चीज़ है वो यहाँ एक मात्र शक्ति पूरा कर रही है, और आने वाले भविष्य में ये हमारे देश को और सफलता की ओर अग्रसर करेगा। जी कृष्णा जी, क्या मानना आपको, बच्चियां उड़ना चाहती हैं, उड़ान भरना चाहती हैं, लेकिन आपको लगता है क्योंकि आप तो एक सोशल एक्टिविस्ट है, इस क्षेत्र में काम भी कर रही हैं, अभी भी उन्हें वो आसमान नहीं उपलब्ध कराया जाता जहां उनका हक है, लगता है ऐसा? जी सर, बिल्कुल लगता है कि एक तरफ तो हम लोग कह रहे हैं कि नारी शक्ति है, ये है, पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। जी तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि नारी जब शक्ति है, आदि शक्ति है, और शिव और शक्ति दोनों बराबर हैं, तो हम कंधे से कंधा क्यों मिला रहे हैं? हम उनके इक्वल हैं, ना पीछे हैं ना आगे हैं, हम उनके इक्वल हैं। तो ये होड़ एक ख़त्म ही हो जानी चाहिए कि कंधे से कंधा मिला के या आगे बढ़ने वाली होड़ हमें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ यही ख़त्म, यही चीज़ हमें हमारी जो सोच है, पीढ़ियों दर पीढ़ी यही सोच आती जा रही है कि नहीं, आदमियों से आगे बढ़ना है, आदमियों से कंधा मिला के चलना है। लेकिन क्यों कंधे से कंधा मिला के हमें क्यों चलना है? जब हम शक्ति हैं, नारी एक शक्ति है, तो जब हम शिव और शक्ति दोनों बराबर हैं, जैसे कहते हैं कि दो पहिए हैं, गाड़ी के दो पहिए हैं, तो जब हम इक्वल हैं तो फिर हमें आगे कैसे बढ़ें? या हम बराबर, जब हम बराबर नहीं चलेंगे तो हमारे बच्चों में ये सोच हमें शुरू से ही पैदा करनी पड़ेगी कि हम पुरुष और महिलाओं में जो अंतर है वो सिर्फ सोच का अंतर होना चाहिए, होड़ का अंतर नहीं होना चाहिए। उनमें यह होना चाहिए कि जैसे हमारे दोनों हाथ हैं, एक हाथ के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, अधूरे हैं, तो सेम वही चीज है कि पुरुष भी वही है और नारी भी वही है। तो दोनों को बिल्कुल इक्वल क्वालिटी में हमें रखना चाहिए कि नहीं, पुरुष आगे बढ़े ये काम पुरुष ही कर सकता है। तो सोच तो बदल रही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी जकड़ी हुई है। काफ़ी चीज़ें जो है बच्चियों में स्टार्टिंग से ही होती है कि नहीं, तुम लड़की हो तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई या सब कुछ तुम्हें करना है, लेकिन घर भी तुम्हें करना है, सब कुछ तुम्हें ही देखना है। जबकि इसके डिफरेंट हम जब जेंट्स के लिए जाते हैं या हम पुरुषों के लिए जाते हैं, उनके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए वही सेम चीज़ बहुत ही क्रिटिकल होती जाती है, कई बार तो इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि बच्चियां समझ ही नहीं पाती कि हमें ये जो चीज़ है वो हमें करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जी तो मैं यही चाहती हूँ। तो अभी आपको लगता है कि महिलाएं अगर आगे बढ़ भी रही हैं, ये हौसलों की उड़ान है, जी, तो कहीं अभी भी कुछ बाधाएं हैं? बहुत सारी बाधाएं हैं जो हमें पार करनी है, और मुझे ये लगता है कि हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी या समय दर समय बहुत अच्छा सब लोग मिलके जैसे इतिहास रचते हैं, तो इतिहास एकदम से नहीं रचा जाता, उसकी नींव पड़ती है, तो वो नींव पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी मुश्किलें हैं जो एक बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। उनके माहौल का, सबसे पहले माहौल का फर्क पड़ता है, तो माहौल में ही ऐसी चीज़ हमें, जिसको कहते हैं घोल देनी चाहिए, कि खून में ही ऐसी चीज़ें आनी चाहिए कि हम किसी से कम नहीं है, बराबर नहीं है हम, लेकिन कम भी नहीं है, कम भी नहीं है। हमें आगे की होड़ नहीं करनी है, क्योंकि हमारे लिए तो पूरी दुनिया है, पूरा यूनिवर्सल, पूरा यूनिवर्स हमारा है। तो आप किसी की होड़ क्यों कर रहे हो कि पुरुष आगे बढ़ रहे हैं या कोई महिला आगे बढ़ रही है? आप एक सेपरेट पर्सनैलिटी हो, आप आगे बढ़ो, आप अपनी सोच बढ़ाएंगे तो दूसरों को, जैसे कई बच्चियां ऐसे होती हैं आगे तो बढ़ती हैं, बहुत अच्छे आईपीएस लेवल तक भी पहुंच जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, अभी तो महाराष्ट्र में रश्मि जी डीजी हैं, सीआईएसएफ की डीजी हैं, लेकिन कई बार उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे डीजी हैं, चीफ सेक्रेटरी हमारे यहां पे उषा शर्मा रही हैं अभी, बहुत अच्छा पहले एक चीफ सेक्रेटरी और रह चुकी हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं। मैं करिश्मा जी आपके पास में आना चाहूंगा,
आज जो सेलिब्रेशन हम देख करके खुश हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कई साल पहले हो जाना चाहिए था ये तो, कि महिलाएं दिखें कर्तव्य पथ पे या राजपथ जनपथ जो भी हुआ करता था उस समय, तो ये परेड में उनकी संख्या उड़ान, तो महिला कभी कमजोर नहीं रही। लगता आपको कि मैं भी पुरुष हूँ कि पुरुष की सोच जो कमजोर रही इस वजह से महिला को मजबूत नहीं होने दिया और ये पहले ही दिखना चाहिए था नज़ारा आज हम देख करके सेलिब्रेट कर रहे हैं? मैं इस बात पे एक बात कहना चाहूँगी आपको कि महिलाएं कभी कमज़ोर थी नहीं जी, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि पुरुष ने उनको कमज़ोर किया, क्योंकि महिलाओं ने अपनी शक्ति को पहचाना ही नहीं जी। जैसे आप फरमा रहे हैं 2006 पे मैंने खुद ने राजपथ पे परेड लीड की थी, राष्ट्रपति जी को बिल्कुल सलामी दी थी, बेस्ट कैडेट अवार्ड मैंने लिया है। अच्छा, एनसीसी में रही जी, बिल्कुल गुड। और उस समय तो मेरा समय तो वो देखा हुआ है, उस समय मेरे लिए गर्व की बात थी, हमारे राजस्थान के लिए गर्व की बात थी। तो उस समय न्यूज़पेपर्स में भी आया कि हमारे समाज की बेटी ने आज राजपथ पे लीड किया परेड। तो ये जो समय चलता आया है वो शुरू से ही था। अगर आप पुराना समय भी देखेंगे तो जो महिलाएं थी वो बहुत सक्षम थी। ये आया कहाँ से, ये जग जाहिर है, ये चीज़ें आई कहाँ से? जो हमारा माइंडसेट होता है ना ये कि भाई पुरुष आगे नहीं बढ़ने देंगे, महिलाओं को अपनी शक्ति का खुद को एहसास होना चाहिए कि हम कमज़ोर नहीं हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि मैं हर घर में जो, जैसा कि मैं समाज सेवा भी करती हूँ, मैं यही चीज़ बताती हूँ कि आप अपनी बेटी को आगे बढ़ना सिखाइए, उसको सहन करना मत सिखाइए। आज देखिए आप समाज में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बेटियां आगे बढ़ रही हैं नो डाउट, पर उस घर में वो बेटी जब घर में कमा के आती है उसको घर में क्या सहन करना पड़ता है वो तो वही जानती है। कई चीज़ें समाज के सामने आ नहीं पाती है क्योंकि वो कारणवश बोल नहीं पाते, अरे हम पुलिस थाना चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, हमारे नाम खराब हो जाएगा, समाज वाले क्या कहेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये सोच निकालनी पड़ेगी कि इस चीज़ में हमें आगे बढ़ना है, हमें खुद की शक्ति को संभालना है, हमें सहन नहीं करना है। मैं हमेशा हर महिला को यही राय देती हूँ, जैसा कि हमारे साथी ने भी कहा कि भाई महिलाओं को इक्वलिटी की ज़रूरत ही नहीं, वो तो खुद ही इक्वल है, खुद इक्वल है, तो वो बस अपनी शक्ति को पहचाने, पुरुष उनको मतलब मदद करे उस चीज़ में कि वो साथ साथ तो चल ही रही हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं। आज महिलाओं को जैसे प्लेटफॉर्म दिया गया, उन्होंने अपनी लड़ाई खुद ही तो लड़ी। आप कई महिलाओं को देखिए कि लैंप लाइट तो पुराना हो गया, लोग कहते हैं लैंप लाइट में पढ़ेगी, उसके अलावा भी जो महिलाओं ने संघर्ष किया, प्रेग्नेंट होके भी महिलाएं अपने एग्जाम्स दे रही हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब एक लेडी थी जिनकी प्रेगनेंसी 2 महीने के बाद में उनका फिजिकल था तो उन्होंने वो फिजिकल पास आउट किया। क्या वो कभी समाज या किसी ने चीज़ देखी? क्योंकि देखिए जो स्त्री जन्म दे सकती है तो वो तो जगजननी हो गई, तो उसको किसी चीज़ से कोई कैसे रोक सकता है? जबकि देखा जाए, मैं इस बात को ज़रूर बोलना चाहूँगी कि पुरुष को भी आगे बढ़ाने वाली एक स्त्री ही है, उस चीज को आगे ले जाने वाली खारिज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता। ये तो हम वर्षों से सुने आ रहे हैं कि नारी तो नारायणी, बिल्कुल पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है। और जिस समय हम योगिंदर जी अगर ये कहना शुरू कर दें ना कि हम मैंने क्या लिया है, वो बात नहीं है, मैं समाज को क्या दे रही हूँ ये सबसे बड़ी बात है जी। साहिल जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं अभी भी आप जन टीवी की स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कर्तव्य पथ पे महिलाओं की परेड, जो फाइटर उन्होंने उड़ाया उसके आवाज़ से ही बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये क्या चल रहा है, लेकिन वो जेट्स को उन्होंने उड़ाया है। और आज ही नहीं कि खेल दिखाने के लिए, जब वक्त आएगा तो सब कुछ कर भी सकती हैं। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें जिन पे आज हम चर्चा कर रहे हैं और खुशी जाहिर करते हैं तो वर्षों पहले हो जानी चाहिए थी? बिल्कुल, ये वर्षों पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसके बहुत सारे रीज़न रहे। एक तो महिलाएं खुद भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहती, वो खुद सोचती हैं कि हम बाहर निकलेंगे तो लोग क्या कहेंगे या हम ऐसा करेंगे, तो आप कुछ करो या नहीं करो, लोग तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना जी। तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने आप को साबित करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मतलब देश हमें आगे बढ़ा रहा है लेकिन हम खुद पीछे कदम उठा लेते हैं। तो बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बच्चे संभालने हैं। बच्चे पुरुष के भी हैं और आपके भी अपने ही हैं। और मैं मदर से भी यही कहना चाहूँगी कि जैसे अभी महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं हर चीज़ में, कर्तव्य पथ पर महिलाएँ दिख रही हैं, तो जिनके भी पुत्र हैं उनको किचन कुकिंग और घर के काम भी, घर को कैसे साफ रखना है,
ये भी प्रत्येक माता अपने बेटे को भी सिखाए, जैसे कि हम महिलाओं को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आप बेझिझक बाहर जाइए, एग्जाम भी दीजिए। इवन सर मेरे को पता है कि मैंने बहुत एग्जाम्स ऐसे दिए हैं कि बच्चा फीड मांग रहा है एंड माई क्लोथ्स आर वेट, बिकॉज वो फीड देने का टाइम होता है और हम लोग मतलब मंथली अपना इश्यूज होता है, तब भी हम लोग एग्जाम्स भी देते हैं, दौड़ते भी हैं, अपने घर के काम भी करते हैं, अपनी जॉब पे भी जाते हैं ऐसा भी। और अभी बीच में प्रोविजन भी आया था कि मंथली 3 डेज की या 4 डेज की फीमेल्स को, तो हमें इस तरह की छुट्टियों की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने हमें कमजोर बनाया है लेकिन हम मन से बहुत स्ट्रांग हैं, तो हम हर तरह से प्रेगनेंसी हो या हमारे पीरियड्स हो या कोई भी इश्यूज हो, हम कदम से कदम नहीं, हम पुरुष से आगे हैं, आगे थे आगे रहेंगे, लेकिन वो है ना मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है, तो हमें खुद के मन को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। और मैं अभी राजस्थान के बारे में बोलना चाहूँगी, आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बेटियाँ खुद नहीं पढ़ना चाहती, उन्हें ऐसे लगता है कि नहीं हमारी तो शादी होनी, अगला हमारे लिए कमाएगा। सर अगर आप देखें बाड़मेर जैसलमेर साइड कहीं जाएंगे, उनके आसपास के छोटे छोटे गांव हैं, इधर आप जाएंगे धौलपुर के आसपास छोटी छोटी ढानियाँ हैं, बेटियाँ खुद टेंथ तक नहीं, ग्रेजुएशन तक नहीं करना चाहती हैं, उन्हें लगता है कि उनको तो एक बड़ा बिजनेसमैन मिल जाएगा क्योंकि उनके पापा अच्छे पैसे दे देंगे, जो भी डोवरी सिस्टम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये सोच हम महिलाओं को, हमारे घर की बच्चियों को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों आपके लिए कोई कमाएगा, वाई एनी वन विल पे योर बिल्स, प्लीज़ ट्राई टू पे योर बिल्स, क्योंकि अगर आपके लिए कोई कमाएगा तो फिर वो आपको नीचा भी दिखाएगा और आपको फिर बहुत सारी प्रताड़नाएं, बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। आप अपने लिए खुद क्यों नहीं कमाते, दो पैर दो हाथ पुरुषों के हैं, दो हाथ दो पैर महिलाओं के, एक थोड़ी सी फिजिकल बनावट ही तो डिफरेंस है, बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं लगता ना, तो क्यों हमारे लिए कोई कमाएगा, हम खुद के लिए कमाएंगे और हम खुद 100 लोगों को पाल सकते हैं। अगर हर महिला ये बोलेगी ना तो मेरे देश की नारी सबसे मजबूत नारी कहलाएगी। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस देश से कोई पुरुष पीछे नहीं करता, कोई समाज पीछे नहीं करता, हम खुद पीछे हट जाते हैं कि कोई क्या कहेगा, कोई कुछ भी नहीं कहेगा, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हर एग्ज़ाम को, फिजिकल एग्ज़ाम या जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, कुछ बैडमिंटन में है हमारी महिलाएं, क्रिकेट का महिला क्रिकेट टीम है, IPS ऑफिसर्स हैं, IAS हैं, सब आप देखिए बहुत मतलब 50% हर डिपार्टमेंट में फीमेल्स हैं। और इवन टीचिंग लाइन में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे 80-90% फीमेल्स हैं, तो कहाँ हम पीछे हैं, कहाँ हमें कदम मिलाने की ज़रूरत है, हमें हमारी सोच बदलने की ज़रूरत है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है, आराम करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम अपनी बॉडी और माइंड को काम में लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल साहिल जी, मैं पिछले दिनों जब बाड़मेर गया था जैसलमेर, तो बॉर्डर पे देखा महिला बटालियन BSF की, वो वहाँ पे पूरी तरह से पेट्रोलिंग करती हैं, वो जी बिल्कुल वही काम पुरुष करते हैं। और मुझे लगता है कि सोच बदल गई है, स्थितियाँ बदल गई हैं, अब वो बात नहीं है, अब तो पंख से नहीं हौसलों से उड़ान होती है और वो होनी भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वाकई मेरा अपना मानना है, हालांकि हमारी जो अतिथि बैठी हुई हैं वो भी इस बात को स्वीकार करती हैं कि ये हक है या फिर उड़ान है या वो पंख पहले ही खोलने चाहिए थे। और आज जो हम एक खुशी से झूम रहे हैं कि देखिए हमारी बेटियां कर्तव्य पथ पे कैसे परेड को सलामी दे रही हैं, वो तो बहुत पहले होना चाहिए था। NCC में भी देखा हमने, महिला बटालियंस भी होती हैं, महिला अपने कर्तव्य भी बाइक्स पे भी दिखाती हैं, सब ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ पहले होना चाहिए था। जब हमारा संविधान बना तो वहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ था कि महिलाएं 10 साल बाद में प्रोग्रेस करेंगी, कि इतने साल बाद में करेंगी, कि उन्हें मत लड़ाइए, उन्हें आगे मत बढ़ने दीजिए, वो तमाम चीज़ें उनका हक था और उस हक को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। चले लेकिन देर से ही सही, देर आए दुरुस्त आए, ये माना जा सकता है। किसी शास्त्र में भी नहीं लिखा, झांसी की रानी देख लीजिए, कृष्ण से पहले राधे श्याम सीताराम जी, तो कहीं भी नहीं लिखा है, महिलाएं तो आगे ही है, देवताओं हाँ, हमेशा महिलाओं को आगे रखा, सीता लक्ष्मी नारायण भवानी शंकर। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसे हम ठुकरा नहीं सकते, और अक्सर लोग कहते भी हैं कि किसी की सोच की वजह से महिलाओं को अंदर थोड़ी ना रख देंगे, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, लेकिन क्या है कि आज भी जिस समाज में
मैं इसके लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ, हालांकि राजनीतिक दल अक्सर इस पर रोटियां सेकते हैं। महिलाओं के प्रति जिस तरह से अपराध बढ़ता है, किसी भी पेरेंट्स को लगता है कि नौकरी ससुराल जाके कर लेगी, ये सब चीज़ें तो बात की हैं, वो बला टालने की बात नहीं होती, उनकी फिक्र होती है कि जिस तरह की घटनाएं होती हैं, जिस तरह की स्थितियां बनती हैं। आज भी कोई बच्ची जॉब करके जाती है, पेरेंट्स पूछते हैं कि बेटा पहुंच गए? आप तो इनकी बात कर रहे हो जो पुलिस सर्विसेज में आईएएस और आईपीएस, उनके पेरेंट्स भी पूछ लेते हैं कहाँ ऑफिस हो, अच्छा 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 ठीक है, घर पहुंच गए कि हाँ पहुंच गए, चलिए बड़ी खुशी। वो पेरेंट्स हैं, उनका दिल वो जब भी दूसरों को हिम्मत देते हैं, जिला पुलिस कप्तान के रूप में, जिला एसपी के रूप में वो काम करती हैं, लेकिन पेरेंट्स को फिर भी उनकी भी फिक्र होती है। तो ये हमारी जो सोच और जिस तरह की स्थितियां देखते हैं, वो सबसे बड़ी बाधा है महिला के लिए। माइंडसेट जो है उसको खोलना पड़ेगा आपको, बिल्कुल, उसे हम खारिज नहीं कर सकते। जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, उस सोच से हम बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक मुझे लगता है कि अभी जो तस्वीर और उजली देखना चाहते हैं वो पूरी नहीं हो पाएगी। आज कोई महिला आगे बढ़ती है पॉलिटिक्स में, है दस तरह की बातें शुरू कर देते हैं, उसकी सफलता के पीछे उसकी मेहनत, उसकी जिद, उसका जुनून, उसको नहीं देखते हैं, उस पर दस तरह की बातें बनाना शुरू कर देंगे। पुरुष पे तो नहीं बनती है कि पुरुष कहा जाता है ना कि किसी को अगर रोकना हो ना तो सीधा उसके चरित्र पे वार करो, बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की ये कह देना, महिलाओं के लिए कुछ कहने को नहीं होता, तो सिर्फ चरित्र, बिना हड्डी की जीव होती है, इसे कोई कुछ भी कहा जा सकता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक अक्सर आपने बिल्कुल सही कहा कि चरित्र के लिए आपने नहीं सुना होगा ना, हाँ, पुरुष आगे बढ़ जाए कुछ भी तो उसने अपनी काबिलियत से बड़ा अच्छा, महिला बढ़ी आगे ओ, तो कुछ नहीं, पुरुष हाँ, अगर कुछ ना कुछ पुरुष के अगर जान पहचान अच्छी है 100 लोगों से है तो उसकी रुतबा है, हाँ, अगर सेम वही चीज अगर महिला की 100 लोगों से जान पहचान है तो ये गलत तो है, वो तो मतलब गलत है, कैरेक्टर वाइज गलत है, कैरेक्टर वाइज गलत है इसने। चलिए, आप तो सीधी महिलाओं के लिए काम कर रही है मैम, तो क्या लगता है कुछ बातें आती है खुल करके महिलाएं कर पाती है कि वाकई अड़चन कहाँ है? उनके इंटेलिजेंट होती है उसमें मैं शक नहीं कर सकता, होती भी है। आप ये बताइए कि कोई लड़की मेरिटोरियस है और आगे बढ़ रही है, वो अचानक क्या हो जाता है कि उसकी मैरिज कर दो और अपने घर भेज दो? सर, ये चीज़ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड कर रही है कि लड़की शादी के बाद ठीक है नौकरी करेगी, ठीक है, लेकिन उसको घर संभालना है, उसको बच्चे करना है, उसको ये करना है, तो उसकी नौकरी के लिए वक्त ही कहाँ मिलेगा उसको? वो नौकरी चाहकर भी वो घर से बाहर नहीं जा सकती, यानी इनडायरेक्टली उसके पेड़ियों पैरों में इनविजिबल वाली बेड़ियां डाल के रखते हैं कि हमने तो बोला है नौकरी करो, लेकिन वो नौकरी करेगी कैसे? जब तक उसको फैमिली से सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो वो नौकरी कर ही नहीं सकती है। तो सबसे मेन चीज तो यहीं पे आती है कि हम लोग दिखावा तो बहुत अच्छा कर लेते हैं कि नहीं हमारी बेटियां बहुएं आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन क्या हम वाकई में ऐसा करते हैं? क्या हम बेटी को रात को अकेला भेज सकते हैं? क्यों नहीं भेज सकते? कभी मेडिसिन भी लेने के लिए तो सवाल उठ जाता है, और अगर मेल कुछ भी करके आए तो कोई सवाल नहीं करता, चाहे रात को 2 बजे आए मेल। बिल्कुल, वहीं से चीजों को बेटी को बताना। क्या लगता है आपको कि, चलिए मैं भी समय कम है आपसे साहिल जी से सवाल लूंगा एक, अभी भी क्या लगता है आपको कि महिला को आगे बढ़ने के लिए कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, कौन सी बाधाएं हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है? मैं तो एक लाइन में एक जवाब दूंगी जी, कि जैसा समाज है ना उसके हिसाब से आपको बहरे होके आगे काम करना चाहिए। अगर आपको लगे कि आपका लक्ष्य है, आपको जिस जगह पहुंचना है, तो आपको सुनना बंद करना पड़ेगा, स्पेशली महिलाओं के लिए। क्यों? क्योंकि महिलाएं क्या सेंसिटिव इमोशनल होती है, तो उनके अटैक ही उनके इमोशनल पार्ट पे किया जाता है। अरे मारवाड़ी में लोग, तू चली गई तो घर कौन संभाली, टावरान कौन संभाली? राजस्थान में तो ये हाल है, राजस्थान से आप बाहर भी चले जाओगे, इफ़ यू आर डूइंग एनी वर्क, लाइक इफ़ यू आर एयर होस्टेस और पायलट, आप तब भी आपको पूछेंगे, अच्छा आपकी शिफ्ट है तो बच्चे कौन संभालेगा, मेड ही थोड़ी सा काम करेगी, हस्बैंड क्या बनाएगा? तो ये, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, ये हमारे जो हमें जो फीमेल्स हैं उनको अपने दिमाग के अंदर ये जो उलझन की और ये समाज की जो पीढ़ियाँ हैं ना उनको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये रोग बहुत बुरा है जो कि एक औरत को अपने अंदर खत्म कर देता है, उसकी शक्ति को क्षीण कर देता है, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देता है। पर जिस दिन एक महिला ने ठान लिया कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेरी साथ वाली साथियों को भी आगे बढ़ाना है, उस दिन ये समाज जितना अभी बढ़ा है ना, अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही तो समाज में आने वाला अब जो देश होगा महिला प्रधान देश होगा। बिल्कुल, हम तो मानते भी है, अभी भी मानते चलते हैं। जी साहिल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, समय कम है, मैं 30 सेकंड में कंक्लूड कराना चाहूंगा आपसे कि हाँ
क्या परिस्थितियां और क्या चीजें, क्या सोच होनी चाहिए ताकि महिला को पंख भगवान ने दिए हैं वो खुला आसमान उसको मिल सके। मैं सबसे पहले तो मेरे देश की बेटियों से कहना चाहूंगी, जितनी कम उम्र में आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं करिए, और बिना किसी की सुने अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जाइए, और लक्ष्य प्राप्त करने के बाद अगर आपको कोई कुछ बोल दी तो आप देख लीजिएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा हम तो यही कहते थे ये तो करेगी। और सब प्रत्येक मेरे देश की बच्ची के माता पिता से कहना चाहूंगी कि अपनी बच्ची को पंख दे, उड़ने दे, और अपने पंख साथ लगा के उसकी उड़ान भरने में उसकी मदद करें, समाज को दुनिया को जो कहना है कहने दें। जिस दिन आपकी बच्ची अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच जाए और उसे हासिल कर ले, फिर आपको किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। उस दिन सब अखबारों में पढ़ लेंगे कि आपकी बेटी ने क्या आपका नाम रोशन किया। तो अपनी बच्ची को समाज की परवाह किए बिना उसके रास्ते में चलने में उसकी मदद करें, और उड़ने दें उसे पंख पसार, खुला आसमान है घोंसले में फिर लौट आएगी, उसे घोंसले का रास्ता पता है। उड़ने दे उसे पंख पसार, देखने दे पूरा आसमां, उड़ने दे उसे ऊंची से ऊंची उड़ान, वो फिर लौट आएगी, घोंसला उसे सब अपनी जान से भी प्यारा है। चले बहुत अच्छा, और निश्चित रूप से महिलाओं को हौसला दिया है, पंख दिया, उड़ान दी है, लेकिन वो खुला एक आसमां चाहिए, वो तभी मिल सकता है जब समाज की सोच बदलेगी। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये खुशी बहुत देर से जाहिर कर रहे हैं जब कर्तव्य पथ पे महिलाएं सैल्यूट दे रही थी। तो चले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नारी में इतना ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।